नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर छतरपुर जिले के अलीपुरा से है, जहां पर डंप पड़ी हुई रेत को अवैध बालू माफियाओं द्वारा परिवहन किया जा रहा है। अलीपुरा थाने क्षेत्र के टीला गांव के खेतों और घाटों पर डंप पड़ी रेत का अवैध कारोबारियों द्वारा रात भर परिवहन किया जा रहा है। ये रेत उत्तर प्रदेश के बघौरा और बेलाताल और नौगांव तक ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बेची जा रही है। अवैध रेत का कारोबार रात 9 बजे से शुरू होता है, जो पूरी रात हाईवे पर चलता रहता है। इस अवैध उत्खनन और परिवहन ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसकी शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जबकि पुलिस पर भी अवैध रेत कारोबारियों से मिली भगत के आरोप हैं। बालू कहाँ से ला रहे जी? तुम्हारा नाम क्या है? रवि यादव। किस यहाँ से ला रहे जी बालू? बाबा कौन? बाबा 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 अलीपुरा थाने में आता ना टीला? टीला अलीपुरा थाने में आता? अलीपुरा की एंट्री है अलीपुरा थाने की? कितने दे दें? एक दिन की साथ, एक चक्कर की 700 रुपए अलीपुरा थाने में। आप लोग क्या कर रहे थे? श्रीमानी खेती दीदी है हम लोगों की, खेती रखाते हैं हम लोग, जानवर देखते हैं। अच्छा, आप लोग किसान यहाँ खेती वगैरह है? खेती वगैरह है? हाँ, पीसीएम दीदी है। ये सड़क कौन सी है जी? जी टीला रास्ता के लिए है, बड़ा गांव टीला। हाँ, बड़ा गांव टीला गांव के लिए जाने। सारी सारी रात जागते हैं और बहुत परेशान है। परेशान ट्रैक्टर के बाद उल्टी मारने की धमकी देती है, नहीं हम करेंगे। एक विकलांग लड़का था, उसको साइकिल की उसकी टोटा दी, घर गया नीचे। ट्रैक्टर यहाँ काय की निकलते हैं? बालू के, बालू निकलती है। ये कितने बजे से चालू हो जाते हैं? 8 बजे से चालू हो जाते हैं, सुबह 6 बजे तक। 6 बजे तक चलते हैं साहब। अच्छा, ये बिल्कुल बराबर चलते हैं? बराबर 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कंप्लीट चलेंगे। हम सारी सारी रात जागते हो, बस टटाखुल हो जाता है, हमारा नुकसान होता है। उल्टी कहते हैं हम साले मारेंगे तुमको अगर। अच्छा, वो धमकी भी देते हैं यदि टटर नहीं खोलते। हाँ, ये ट्रैक्टर कहाँ से आते? जी छतरपुर से आते के, मगज्जा के, के, उत्तर पठापुर के और छतरपुर छतरपुर के। क्या जगह तो हमारे जाने माने। अच्छा, यूपी से आ रहे हैं? हाँ। तो